प्रधानमंत्री जी को आज एक संदेश भेजा जा रहा है दिल्ली के तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा, दिल्ली के विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा कि प्रधानमंत्री जी आपके राशन चावल का ध्यान रख रहे हैं, आप प्लीज़ दिल्ली के गरीबों का ध्यान रखिए। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है कि राशन घर घर जाकर डिलीवर होगा, इससे मिडिल मैन भी खत्म होगा और गरीब आदमी को घर बैठे राशन मिलेगा। इस फाइल को LG कार्यालय में कई महीनों से रोका गया है, कृपया करके LG साहब को समझाएं, आगे वो IAS ऑफिसर्स को समझाएं कि जो कानून दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के हक के लिए, हित के लिए बना रही है, उन्हें पास करें, दिल्ली सरकार को काम करें। राशन दो। अंदर मोदी राशन दो। हसन नहीं राशन दो। राशन दो। अंदर मोदी राशन दो। राशन दो। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो ना राशन के लिए होम डिलीवरी की स्कीम बनाई थी, उसको जो ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ना माननीय LG साहब के माध्यम से उस फाइल को रोक दिया है, जो गरीबों को राशन जाना था। तो इससे ये लगता है कि इतना देश के अंदर इतना प्रधानमंत्री कार्यालय में इतना टूटा पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने पहले तो राशन से चीनी को निकाल दिया, गरीबों की चाय से चीनी छीन ली, अब राशन भी छीनने का काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता का। तो हमारा ये एक मैसेज है माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम आपके पास राशन भेज रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के विधायक और दिल्ली की जनता आपको राशन भेज रही है, आप भलाई चाहें, दिल्ली की जनता का राशन रोकने की कितनी कोशिश करती रहे, अगर इस तरह का ये मैसेज है और ये राशन देने का एक जो ये तरीका है, ये एक शांतिपूर्वक तरीका है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 5 दिन से जो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसके ये मैसेज है, एक तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जो उसकी टीम है वो आपको राशन दे रही है और दूसरी तरफ आप गरीबों का राशन छीन रहे हैं।